गुल, जल्दी से आ जाओ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद की चीज तैयार है। इतनी जिद्दी है कि मैं आपको अब क्या बताऊं, सिर्फ मेरे हाथ के बनाए ऑलिव पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा, अब खुद ही देख लो मैंने उसके लिए कितने सारे बनाए थे, लेकिन गुल को सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं मैडम, गुल भी तो वैसे अपनी आपी की तरह ही है ना। अरे ये लड़की कहाँ रह गई? मलिका तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कहाँ पर छुप गई है। पता है ना, जब तक वो तुम्हें पूरी हवेली में ना घुमा ले वो बाहर नहीं आएगी। मैंने इसके लिए बड़ा मजेदार केक बनाया है, इसकी खुशबू ही उसको ले आएगी। और फीडर भी यही है, ये देखें, इसके बगैर कहीं नहीं जाएगी। और अगर वो दूर कहीं गई भी तो इसको लेने के लिए वापस आ जाएगी। तुम सब लोग तो बहुत खुश होगे ना? जाहिर है तुम लोगों को तो कोई परेशानी ही नहीं। परेशान तो हम लोग हैं, और किस वजह से है ये सब जानते हैं, है ना? तुम तो बहुत खुश होगी ना सहरा, क्योंकि यहाँ पे लोग तुम्हारी ही बात सुनते हैं। मैं चाहे जितना चीखू चिल्लाऊं कोई नहीं सुनेगा, और तुम दो आंसू बहाकर सबकी सिंपैथी ले लेती हो, और आखिरकार अपने बेटी को वापस बुलाकर ही दम लिया तुमने। मुझे तो लगता है शादी की प्लानिंग भी कर ली होगी। चलो मिलकर मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद तुम्हारी बेटी फिर भाग जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम सब इस आदत के आदी हो चुके हैं। खानदान। अम्मी, अम्मी, आप भी कहीं पे भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो कहीं भी नहीं है। लो भाई निकल गया इज्जत का जनाजा। कहा था ना मैंने तुमसे कि वो भाग जाएगी। खानदान कौन है? ऐसे दरवाजा कौन बजा रहा है? चलो देखते हैं। चलो चलो। दोबारा इस हवेली में अपने मनुष्य कदम मत रखना, कहा था ना तुम्हें, तो फिर सुबह सुबह अपनी ये मनुष्य शक्ल लेके क्यों आ गई हो? सिर्फ एक हफ्ता नसू। क्यों मतलब है तुम्हारा अजीजा? सिर्फ एक हफ्ता गुजरने के बाद इस हवेली में दाखिल होने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। वैसे बाहर से आने वालों को मैं थोड़ी बहुत इज्जत तो जरूर दूंगी। सीधी सीधी बात करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हें जो मोहलत दी थी उसका वक्त खत्म हो चुका नसु। कर्ज ना चुकाने की वजह से तुम्हारी इस अजीम और कीमती हवेली पे अजीजा असलान बे को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाएगा।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, और यह हवेली तुम्हारा सब कुछ है। और वो वक्त आ गया नसु। तुम्हारे लिए तुम्हारे खानदान की तबाही काफी नहीं थी, खानदानी नाम की बेहुरमती, तुम्हारी नामोस की बेइज्जती काफी नहीं, इसलिए तुम्हारी छत छीन ली। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैंने जो तुमसे कहा था वो कर दिखाया है, न कम न ज्यादा। इसलिए तुम लोगों के पास अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, मेरी हवेली खाली करो। उसके बाद जो मर्जी करना है करो, और अपने मनहूस वजूद को लेकर असलान बे खानदान से दूर हो जाओ। तुम्हें याद है ना कि मैंने इसी जगह खड़े होकर क्या कहा था नसु, कि मीदियात से कौन खाली हाथों के साथ बाहर जाएगा। बहुत जल्द जान लोगे तुम।